आज का समय जो परमेश्वर ने हमको दिया है ये बहुत ही ब्लेस्ड दिन है। और सच में जब हम लोग देखते कि परमेश्वर के वचन को तो एक आशीष अलग हम पे आता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जब मैं पढ़ रहा था परमेश्वर के वचन को तो मुझे परमेश्वर के एक वचन ने एक ऐसे दिल के गहराई को छू लिया और कहा कि आज तुझे ये बताना है। बहुत बार हम लोग ने ये वचन हमारे लाइफ में पढ़े होंगे, बहुत बड़े बड़े सेवकों से हम लोग ने सुने होंगे और हमारे दिल को हम लोग ने इसके बारे में सोचा भी होगा या टटोला भी होगा। पर जब हम परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, हम लोग आत्मा के प्रेरित के द्वारा जब हम लोग सोचना शुरू कर देते ना, तो एक नया रेवलेशन हमारे जिंदगी में आना शुरू हो जाता है। मैं भी परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर तू बता मैं क्या बताऊं, क्योंकि मुझे तेरा वचन पेश करना है। तो परमेश्वर ने मुझको एक चीज बताया कि जो मेरे जिंदगी में हुआ है प्रैक्टिकली, एक्चुअली बहुत प्रैक्टिकली, कि परमेश्वर ने एक आशीष मुझको दिया है। जितना भी इवरी स्पीड हम लोग ज्यादा करके बहुत मैं यहाँ पर हैंडल करता है, निकालता है, परमेश्वर की कृपा से, क्योंकि उसकी ताकत बहुत बड़ी है कि जो हमें से काम करती है और हमको किसी के सामने झुकाती नहीं और उसको वहां से हमको निकालने के लिए और आशीषित कर देती है। ये परमेश्वर का वचन है। हम लोग पीरियडों के काम उसका 16वां अध्याय और उसका 16वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक एक ऐसा दिखाया गया है कि एक अशुद्ध आत्मा के बारे में वहां पर लिखा है ना। तो हम लोग देखेंगे कि जब जब हम प्रार्थना करते कि वह जगह जा रहे थे, बोलते प्रेषित पौल और सिलास एक जगह प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तो एक दासी मिली और उस दासी में भावी कहलाने वाली आत्मा उसके अंदर थी। भावी कहलाने आत्मा मतलब एक स्त्री के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी और वो दुष्ट आत्मा क्या करती थी मालूम है, लोगों का भविष्य बताती थी और उसका जो मालिक था उस मालिक को ज्यादा कमाई करके देती थी, वैसा पैसा उसको ज्यादा कमा के थी। लोगों का भविष्य बताती थी, लोगों का भूतकाल बताती थी, वर्तमान काल बताती थी और लोग उसको क्या करते थे, पैसा देते थे। जो उसका मालिक था, स्वामी था, उसको ज्यादा पैसा मिल जाता था और उसी तरह उसका अपना ऐसा बोल सकते हम लोग, उसका दुकान चल रहा था या उसका धंधा चल रहा था, उसको काफी इनकम वहां पर हो रहा था। ये चीज है कि जब ये सोचा मैं कि देखो शैतान भी भविष्य बताना शुरू कर देता है। शैतान भी जानता है। शैतान को मालूम, जब वो प्रेषित पौल और सीलास जा रहे थे उनके पीछे से उस आत्मा ने जोर से चिल्ला कर कहा कि देखो ये परम परमेश्वर के, प्रधान परमेश्वर के दास है और ये जो हमें उद्धार का मार्ग सिखाते हैं, कथा बताते हैं। उसने उनका भी भविष्य वहां पर बताया कि ये कौन है, ये जो जा रहे हैं सीलास और पौल, ये कौन है, परम परमेश्वर के दास है और ये क्या करते, उद्धार के मार्ग का कथा सुनाते हैं। किसने कहा, अशुद्ध आत्मा ने उनके बारे में कहना शुरू। बोल तो अशुद्ध आत्मा भी कभी कभी सच बोलते हैं, है ना, और उसकी बातों में दम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है मालूम है। देखो शैतान को अपना भूतकाल मालूम है, अपना वर्तमान काल मालूम है, भविष्य काल नहीं मालूम है। वह मेरे भविष्य को बना नहीं सकता। जब यीशु को लोग बोलते कि ये बाल बुच के साये में ये शैतान निकलता है, ये क्या कहते हैं, शैतान के साये से शैतान निकलता है, तब यीशु ने कहा अगर शैतान शैतान के सानिध्य से निकलता है तो उनमें क्या है, दरार है, उनमें फूट है। तो ध्यान में रखिए, और वो जो कह रही थी वो परमेश्वर के दास के बारे में कहती और वो सच बात कर रही थी, भविष्यवाद कर रही थी कि ये कौन जा रहे, परम परमेश्वर के दास जा रहे, भविष्य कर रही थी, बता रही थी कि कौन है परमेश्वर। उसे पता था कि परमेश्वर का आत्मा क्या है, सच में ताकत की क्या शक्ति है। और पौल ने, सीलास ने पीछे मुड़कर देखा कि ये कौन चिल्ला रही है, कि उनको बुरा लगा, एक्चुअली बुरा लगा, देखा उन्होंने देखा उसको और वो चिल्लाती है। फिर भी वहां पर बैठे हुए लोगों ने उन पर विश्वास नहीं, शैतान चिल्ला रहा था ना, शैतान चिल्ला, उसमें से शैतान काम कर रहा था, सीधा भावी बोलने वाली आत्मा चिल्ला रही थी और ये कि ये जो जा रहे हैं ये परम परमेश्वर के दास है और ये जो क्या उद्धार के मार्ग का कथा बताते, उद्धार के मार्ग का सैल्वेशन के बारे में बताते और लोगों को आशीषित करते। पर लोगों को मालूम है उदास से ज्यादा शैतान पे ज्यादा भरोसा है, डरते किसको मालूम है, डरते। याकूब की पत्रिका उसमें जिसमें दूसरा अध्याय में देखेंगे ना तो मराठी में बहुत अच्छी लगेगी कि भूतिया देखिए थरथर कांपता है ना, शैतान भी डरता है। किसको डरता है मालूम है, परमेश्वर को डरता है, परमेश्वर की आत्मा को डरता है, डरता है। और इंसान किसको डरता है मालूम है, इंसान डरता है शैतान, है ना, इंसान डरता है शैतान को, क्योंकि उसका दिल में डर है, परमेश्वर से नहीं डरता है वो। यहाँ पर चर्च में जाओ बोलेगा ना तो नहीं डरता है, कब्रिस्तान में जाओ बोलेगा तो डर जाता है, क्यों, वहां पर भूत है।
डर किसका होना चाहिए, है ना, डर परमेश्वर का होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की जो ताकत है वो सारे डर को निकालती है, है ना, सारे डर का, तेरे 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 सामने वो रुकेंगे, देखेंगे पर तेरे को टच नहीं करेंगे, तेरे आत्मा परमेश्वर का आत्मा तेरे साथ में रहेगा, ये परमेश्वर का वचन है साम 91 में, है ना, कि तेरे सामने रुकेंगे, तेरे को देखेंगे पर उसको टच करने की आज्ञा नहीं है, तू उस पे से क्या करेगा, उनको नुका देगा, वो भाग जाएंगे तेरे सामने से, जब परमेश्वर की ताकत आएंगी तब तुम्हारे में से वो काम होना शुरू हो जाएगा। वो जो शैतानी शैतानी आत्मा भाभी बोलने की आत्मा, उसने क्या किया, परमेश्वर के दास के बारे में बात करना शुरू कर, सच्ची बात करना शुरू कर दी, वो सच क्या है, शैतान देखो, शैतान अपना भूतकाल अपना पास बता सकता है, वर्तमान काल बता सकता है, अपना भविष्य नहीं बता सकता है, ये आगे क्या होने वाला ये नहीं बता सकता है, हा? अच्छा नहीं कर सकता वो हमारा, अच्छा कभी अच्छा नहीं होता है, अच्छा नहीं होता, क्यों नहीं होता मालूम है, उसके हाथ में नहीं, अच्छा कौन करता है, जब हम परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर के सानिध्य में चलेंगे, तब हमारा अच्छा होना शुरू हो जाता है। देखने का उसमें मत्ते शुभकुमार उसका 8वां अध्याय उसका 29वां वचन हम लोग देखेंगे ना, तो जब यीशु उस घर से करके गांव में आया, घर से करके गांव में आया, उसने जैसा ही वो उसने सीख छोड़कर वो अपना पावर गया, तो एक भूत लगा हुआ इंसान था, वो आया और उसने क्या किया, यीशु के सामने खड़ा रहा और बोला, अरे तू तो बोला परमेश्वर का पुत्र है, बोला उसने क्या किया मालूम है, पहचान बताया, कौन पहचान रहा है, सैतान पहचान रहा है, सच में पहचान रहा है, किसको पहचान रहा है, परमेश्वर के उसको यीशु को पहचाना, परमेश्वर के लोगों को पहचानता, परमेश्वर के दास को पहचानता, सच्चे लोगों को सैतान पहचानता, उसे मालूम है अगर ये लोग कुछ भी बोल देंगे ना तो मेरा बांध देंगे तो मैं बांधा जाऊंगा, अगर मेरे को जला देंगे तो मैं जला जाऊंगा, उसे पता है, सैतान को पता है, पर इंसान को नहीं पता, इंसान नहीं डरता है ना, यीशु ने वहां पर रुका तो बोला, वो शैतान को बोलता है तू परमेश्वर का पुत्र है और इस समय में क्यों आया और तेरा मेरा क्या संबंध है, तो ऐसा कर उन उस पिग में, है ना, उन उस पिग में तू क्या कर हमको बेच दे, यीशु ने क्या बोला, जाओ निकाल दिया हम लोग, पहचान रहा, यहाँ पर भावी बोने लिए आत्मा जो दुष्ट आत्मा है वो सिलास और पौल को देख के कहने लगी कि ये परम परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर के सेवक, सिलास ने क्या किया मालूम है, पीछे से चिल्लाने गए, तब सिलास ने उसको देखा कि उसको देखने के बाद में उसने कहा, प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा करता हूं इस समय इस शरीर को छोड़ और निकल जा, क्या किया उसने मालूम है, ऑथराइज जो उसको दिया गया पावर है ना, वो पावर का इस्तेमाल किया गया, पौल ने क्या किया, इस्तेमाल किया, हमारे पास है, हमारे पास है, हम इस्तेमाल कर दे, ऑलरेडी हमको सब कुछ दिया है, हम बोलते हैं हमको क्या दिया, हम लोग कभी कभी प्रार्थना करते हैं मेरे को क्या दिया है परमेश्वर, मेरे को तो रेवलेशन बता, मैं क्या करूं, ऑलरेडी जब आपका उद्धार हो चुका है ना, ऑलरेडी आप परमेश्वर के वारिस हो चुके, आप परमेश्वर के राजपुत्र और राजकन्या हो चुके, आपको ऑथोराइज मिल गया है, आपको आशीषित किया गया है, आपके पास ऑलरेडी सब कुछ ऑथोराइज दिया गया है, सब कुछ दिया गया, आपको क्या करना है, उसको फॉलो करना है और उसको अप्लाई करना है, अप्लाई सबसे बड़ी चीज, अप्लाई करना है, उसको जब अप्लाई करेंगे ना, तो उन्होंने क्या किया, आप रुक कर उसने बोला यीशु के नाम से मैं कहता हूं इसको छोड़कर निकल जा, और उसी समय क्या हुआ मालूम है, उसमें से दुष्ट आत्मा निकल गया और वो लड़की लेडीज जो रहेगा वो फ्री हो गई, और उसके फ्री होने के बाद में पूरा नॉर्मल हो गई, तब उसका स्वामी ने देखा कि अभी इसमें से दुष्ट आत्मा निकल गया, क्योंकि उसका धंधा बंद हो गया, उसकी कमाई बंद हो गई, और वो चिल्लाने लगा, पुकारने लगा कि इसमें से क्या हुआ, अभी निकल गई, अभी मुझे जो इनकम है सोर्स ऑफ इनकम मेरा बंद हो चुका, और इसलिए उसने क्या किया, पौल और सिलास को पकड़कर बर बाजार पेट में ले किया, उसने अधिकारी को बोला कि ये क्या कर रहे हैं मालूम है, एक वर्ष हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा वर्ष पढ़े, जब मैं पढ़ रहा था ना तो मैं वहां पर देख रहा था, तो अगर उसका 19वां वर्ष देखेंगे, उसने कहा 20वां देखेंगे, और उन्होंने फौजदारी के हकीमों के पास ले आया और कहा ये लोग यहूदी है और हमारे नगर में बड़े हलचल मचा रहे हैं, क्या बोला, ये लोग यहूदी है, उसने पकड़ के लेके आया सिलास और पौल उसको, और उसने क्या किया, कहा ये यहूदी लोग है और हमारे नगर में बहुत हलचल मचा रही है, कौन हलचल मचाएगा, जिसके पास परमेश्वर की ताकत है, जिसके पास पवित्र आत्मा है ना, वो आदमी चुप नहीं बैठेगा, एक गाना है, अगर तुम खामोश रहोगे तो पत्थर भी बोल उठेंगे, है ना, तुम कितना भी नॉर्मल रहने दो, जब पवित्र आत्मा आता है ना तब तुमको वो ऐसा कर देता है कि आपको खड़ा होके वहां पर बात करना पड़ता है, जब पवित्र परिशुद्ध के काम में दूसरे अध्याय में देखेंगे पवित्र आत्मा आया तो वो चुपचाप नहीं बैठे, वो चिल्लाना शुरू कर दे, लोग बोल रहे क्या हुआ,
और जब पवित्र आत्मा से भर गया तो पेत्र ने क्या किया मालूम है, भाषण जो उसने परमेश्वर गॉस्पल प्रीच किया, वहां पर क्या हो गया मालूम क्या, लोगों का परिवर्तन, 3,000 लोगों का परिवर्तन होना शुरू हो गया। अभी जैसा अंकल ने बताया मोशे के टाइम को 3,000 लोग मर गए, और जब नए करार में जब पेत्र ने वहां पर ये किया भाषण किया उसने, तो वहां पर कितना हो गया, 3,000 लोग का परिवर्तन वहां पर हो चुका। बात मिस मानी है क्यों, मैं बता रहा है आपको क्या सामर्थ्य अप्लाई करना बहुत जरूरी है। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा था, पौल और सिलास ने क्या किया, उसने कहा यीशु के नाम से निकल जा, उस भावी कल्याण आत्मा को, उस दुष्ट कल्याण आत्मा को, भविष्यवक्ता पर। आज हम लोग देखते हैं भविष्यवक्ता, एक बार एक इंसान का फोन आया कि एक बड़े भविष्यवक्ता ने मेरे लिए बात किया था कि तेरे जिंदगी में ऐसे सब होगा ऐसे सब होगा, और अभी तक हुआ नहीं। मैं बोला ब्रदर अभी तक हुआ नहीं इसका मतलब क्या है, आप भी इसको पॉजिटिव रिपोर्ट देना बहुत जरूरी है ना। इसका मतलब आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी गंदा काम करेंगे, या कुछ भी परमेश्वर के सेवा में नहीं रहेंगे, या कुछ भी करेंगे तो परमेश्वर के दास ने आपको बोल दिया, इसका मतलब है कि वो हो जाएगा, वो 100% हो जाएगा। उसके लिए भी आपको आपका वस्त्र, इसका मतलब है आपको आपका उद्धार का वस्त्र, आपका तारण रूपी वस्त्र आपको पहनना है और उसके मुताबिक चलना है, और उसका जो उसने बोला है उसको पूरा करने के लिए आप भी सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। आमेन। आप अगर सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, आप अगर उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो कहां से वो अप्लाई होगा। आप गंदगी में रहेंगे और परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा नहीं। आपको चुनना चाहता है तो आपको भी उसके सामने आना पड़ता है, अपने आप को उसके हवाले करना पड़ता है, तब किधर परमेश्वर का आशीष काम करके आपको जो भी भविष्यवाणी आपके पास आता है वो पूरा हो जाता है। लास्ट इसमें पास्टर निकी ने भी कहा कि भविष्यवक्ता बोला तो ओपन मोशे की पुस्तक में कहा कि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उस भविष्यवक्ता के वक्त के बारे में हम लोग सच बांध के चल के आगे करना चाहिए। हमको परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है, परमेश्वर का होली स्पिरिट हमको क्या कहता है, क्योंकि जो दिया गया जिस दिन हमारा उद्धार हो चुका है उस दिन से हमको पावर ऑफ अथॉरिटी मिल गया है। एक इंसान था और जो एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता है, दुबई से निकल इंडिया में आना चाहता था और वो सिप से निकला, सिप से, और जब सिप्स का टिकट उसने ले लिया तो लेने के बाद में उसके पास बहुत कम पैसे थे, बहुत कम पैसे थे, और उसने क्या किया, नहीं मुझे तो इंडिया में जाना है तो मैं क्या करेंगे, उसने क्या सिप्स का टिकट लिया, और लेने के बाद में उसने अपने अपने पास खाने का थैली ले लिया। उसने बोला मेरे पास कम पैसे तो मुझे उस सिप्स में जहाज में मुझको खाना नहीं मिलेगा, तो मैं ये अपना खाते रहेगा तो, और उसके बाद में मैं कैसे भी करके मेरे गाँव में मेरे इसमें देश में मैं चला जाऊंगा। फर्स्ट दिन सिप चल रहा, सवेरे हुआ तो नाश्ते का समय हो गया, तो नाश्ते के समय में और सब लोग जाके शिफ्ट के लोग जितने भी थे वहां पर जो सब प्रवासी थे सब लोग जाके वो नाश्ते के टेबल पे आए, सब लोग खाना बिना खा रहे, और ये अपना एक साइड में जाकर एक कोने में अपना जो निकाला हुआ था बांध के लेके आया था वो लेके खा रहा था। एक वेटर उसको फॉलो कर रहा था, उसको देख रहा था कि ये आदमी क्या कर रहा था, उस नाश्ते के टाइम में नहीं आया से क्या, उसके बाद में लंच के टाइम में वही वैसा ही हुआ, सब लोग बैठ रहे खाना खा रहे, ये अपना लेके जाके साइड में खा रहा है और यहाँ का कुछ भी नहीं खा रहा है, और शाम को डिनर के टाइम को भी ऐसे हो गया कि वो वैसे ही कर रहा है, वो सब लोग खाना खा रहे हैं, वो अपना शाम उधर डिनर के टाइम वो अपना निकाला वो खा रहा है, ऐसा 2 दिन हो गया। उसके बाद में जब वो आया इंडिया में तो उसने देखा, उस वेटर ने बोला क्या सर आप हमारे से कुछ नाराज है क्या, बोला क्यों आप हमारे जो सिप्स में कुछ में का खाना क्यों नहीं खा रहे थे, आप नाश्ते के समय में और लंच के समय में और शाम के समय में डिनर के टाइम में आप खाने के टेबल पे नहीं आए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास कम पैसे थे और इसलिए सिर्फ मैंने टिकट निकाल दिया था, इसलिए खाने के पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा नहीं थे तो इसलिए मैं खाना खाने के लिए नहीं आता था। तो उस वेटर ने कहा सर आपने जो टिकट निकाला था ना उसमें ही खाना इंक्लूड था, आपको सवेरे का नाश्ता दोपहर का खाना और शाम का खाना उसमें इंक्लूड था, चाय इंक्लूड था, सब कुछ इंक्लूड था, पर आपने उसका क्या किया इस्तेमाल नहीं किया, उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया और आप अपना लेके खा रहे थे। शायद हमको ऐसा लगा कि आपको ये नहीं चलता इसलिए आप खा रहे थे, इसलिए हमने आपको नहीं बताया। मैं ये क्यों कहना चाहता है कि ऑलरेडी परमेश्वर ने हमको सब कुछ दिया है, ध्यान में रखिए सब कुछ दिया है, पावर ऑफ अथॉरिटी परमेश्वर, जिस दिन हमारा उद्धार हो चुका है, जिस दिन हमने अपने दिल से परमेश्वर को प्रवेश को स्वीकारा है, जिस दिन हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, उस दिन से हम लोग उसके राजपुत्र और राज के नगे, सब कुछ पावर ऑफ अथॉरिटी सब कुछ हमको दिया गया है और उस दिन से हम लोग उसके हाथ में, तो परमेश्वर क्यों नहीं देगा, आमेन, क्यों नहीं दिया, सब कुछ दिया है हम लोग को, हम लोग सिर्फ अप्लाई नहीं करते।
हमको क्या लगता है कि क्या हम लोग प्रार्थना करवाते, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे क्या मेरे जीवन में प्लान बताओ, मेरे जीवन में भविष्यवाणी बताओ, जैसा ये ये भाई कहने लात में क्या लोगों को भविष्यवाणी देखती थी। मैं आपको बोलता है कि ऑलरेडी आपको परमेश्वर ने दिया है, आपने आपको परमेश्वर के तराजू में देख लीजिए, परमेश्वर आपके लिए स्पेशल क्या रखा है। जिस दिन आप लोग देखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे ना, वो सब आपके अंदर आ जाएंगे और काम करेगा। मैं आपको एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। देखो जिस दिन शैतान, जिस दिन प्रभु यीशु जन्म हुआ ना, उस दिन से यीशु को मारने की कोशिश में था। जिस दिन से यीशु पैदा हुआ, जैसे देखो पैदा हुआ तो क्या हुआ, सबसे सजाट हेरोद राजा को मालूम गिरा, हेरोद राजा ने उसको मारने का कोशिश किया। हाँ, पहले सबसे स्टार्ट में क्या हुआ कि जब वो मरिया प्रेग्नेंट थी तो उसको एक ऐसा अलग सा नाम देकर उसको छोड़ने को लगा दिया। बोलते पैदा होने से पहले उसको एक ऐसा नाजायज का नाम देने का कोशिश कर रहे थे, पर परमेश्वर के फरिश्ते लोग ने आके यीशु को कहा कि ये पवित्र आत्मा से, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद में हेरोद ने उसको मारने का कोशिश किया तो वो हो नहीं पाया। उसके बाद में शैतान ने इसको क्या क्रूस पर चढ़ाने का कोशिश किया और वो सफल भी हो गया। मेरे को एक बात बताओ, क्यों शैतान उसको मारने का कोशिश कर रहा था? क्योंकि उसको ऐसा लगा कि यीशु को अगर मैं मार दूंगा ना तो सब बात किस्सा खत्म हो जाएगा। पर परमेश्वर ने एक प्लान, जो परमेश्वर के पास था, परमेश्वर भी वर्ड ऑफ गॉड फॉलो करता है, जो हमको दिया है ना वही परमेश्वर भी फॉलो करता है। परमेश्वर के पास प्लान कौन सा था मालूम है? बोना, उगाना और काटना, है ना। बोना, जब बोते ना तो उसका क्या होता है, अंकुर फूट, तीसरे दिन में अंकुर फूट जाता है, और जब अंकुर फूट जाएगा ना तो उसका मल्टीप्लिक होता है। जब एक गेहूं का दाना जब मर जाता है तो वो क्या करता है, उसका सीड आ जाता है ना, तब उसमें बहुत सारे आ जाते। परमेश्वर ने शैतान से ये बात छुपा के रखा, उसको मारने को दिया, उसको यीशु को मारने को दिया। जब यीशु मर गया, उसको जमीन में वहां पर गाड़ा गया, तो वो नरक में जाके उसको पराजित किया, और जब उठा तो अकेला ना, जब यीशु मर गया उसके साथ में हम मर गए, जब वो उठा उसके साथ में हम उठ गए। आज कितने तो भी लोग यीशु पे विश्वास करने वाले लोग हैं, और यीशु ने हमको वो ताकत दिया है, आज हम लोग शैतान को यीशु के नाम से जलाते हैं, बांधते हैं और उसको खत्म करते हैं। ये पावर हमको दिया है और उसको इतना जीरो बना दिया कि हम उसको बांध सकते हैं। पावर ऑफ अटेंड हमको दे दिया उसने, क्योंकि ये होना था, ये करना था, ये परमेश्वर की योजना थी, है ना, परमेश्वर की योजना थी। यीशु ने कहा अगर तू बोला रहेगा तो ये क्या करे, प्याला मुझसे दूर हो जा, नहीं पर उसे तुझे पीना था, जिस कारण के लिए भेजा गया उस कारण को पूरा करना था, और वो कारण यीशु ने पूरा किया। जब यीशु मर गया हम मर गए उसके साथ, यीशु उठा तब हम उठ गए। आज कितने तो भी यीशु के विश्वासी लोग आज क्या कर रहे हैं, शैतान को यीशु के नाम से निकाल रहे और भगा रहे। अथॉरिटी हमको दिया गया, ताकत दिया है ना, शैतान को बांधने की ताकत। उसने बताया कि यीशु के नाम से क्या क्या, मेरा एक जो व्यक्ति है जो मेरे पे विश्वास करने वाला व्यक्ति तुझे बांध देगा। आज हम लोग कितने भी परमेश्वर के सेवक हम प्रार्थना करें, बीमार गिर रहे प्रार्थना करें, लोग चंगा हो रहे, किसी परिस्थिति में आते, संकट में आते, कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करें, जिधर वो स्टॉप हो रहा है, जो आदमी मर रहा है वो बच रहा है। क्यों बच रहा है? परमेश्वर अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। जो सामर्थ्य हमको दिया गया है, जो ऑथराइज हम लोग को दिया गया है, जिसके हम बेटे है, और जब हम लोग अपने मुंह से उसको अंगीकार कर रहे हैं और बोल रहे हैं, तब वो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। और पौल ने उसी का उस आत्मा को उसने देखा नहीं, उसने ऐसा बोला नहीं, अरे कितना अच्छा है तो कितना हमारे बारे में अच्छा बोलते नहीं। उसने कहा यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, निकल जा, छोड़ जा, उसी समय छोड़ गया। तो उस स्वामी ने क्या किया मालूम है, उसका मालूम होगा कि इसका धंधा पानी बंद हो चुका, और उसके बाद में उसने क्या किया, उनको बर चौराहे में लेके आके उसने सरदारों के हाथों में, जो सैनिक के हाथ में दे के कहा कि ये क्या पॉइंट किया मालूम है, उसने बहुत अच्छी तरह से वहां पर पॉइंट किया, कहा कि ये जो लोग है, ये लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, ये यहूदी लोग है, और यहूदी लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, उनके रीति रिवाज क्या कर रहे हैं, हम पे लाद रहे हैं, और हम रोमी लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये रीजन वहां पर बताया गया, उसको हम लोग 21 और में देखे हैं कि ऐसी रीतियों के बाद है कि जिन्हें हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे, हम रोमी है इसलिए ये ठीक नहीं है। ये ऐसे बता रहे हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हम रोमी है। जब रोम का साम्राज्य था, यहूदी लोग का ना, यहूदी लोगों को वहां पर तकलीफ दे रहे थे। देखो प्रिया, यहूदी मतलब चुने हुए लोग, यहूदी मतलब आशीषित लोग, और इनको ये करने के लिए तब उसने क्या किया, उस सेना नायक ने उनको
छड़ी लगाया, बहुत मारा। यहाँ पर ऐसे लिखा है कि बेत के छड़ी से मारा उनको, बहुत मारा उनको, बहुत मारा। और उसके बाद में मार कर क्या किया उनको मालूम है, उनके कपड़े फाड़ कर उनको मार कर क्या, इतना मारा बेत के, ऐसे दिखा है बेत की लकड़ी जो होता है ऐसे बहुत जबरदस्त लगता है, उससे मार कर उन्होंने बंदी शाले में उसको डाल दिया और उनके हाथों में लकड़ी की खोंड को लटका दिया ताकि वो कुछ ने उसका मूवमेंट नहीं कर सके, देखो उनको डाल दिया। ये भी परमेश्वर की योजना है। जो भी कुछ होता है हमारे जिंदगी में हम बोलते ना कोइंसिडेंसी है ना, कि ऐसा घटना हुआ, एक घटना नहीं होता है हमारे साथ में, जो परमेश्वर के विश्वासी लोग उनके साथ में घटना नहीं होता है, के साथ में सच्चाई होता है, और जो सच्चाई होता है वो हमारा परमेश्वर काम करता है, उसमें भी भलाई होता है। जब भी कुछ हमारे जिंदगी में हमारे लाइफ में होता है ना, उसमें भी भलाई होता है और उस भलाई करता है। यहाँ पर सीलास और पौल को मारा गया, किसने मारा गया मालूम है, सिर्फ उसने वो दुष्ट आत्मा को भगाया, और दुष्ट आत्मा जब जाता है तो तकलीफ देके जाता है, उसमें से हम पावरफुल होता है। उन्होंने उस समय क्या किया, कुछ नहीं बोले उन लोग ने, उस अधिकारी ने उनको मारा, उनके कपड़े फाड़ दिया, उनको मारकर उनके बंदीशाले में डाल दिया, उनके हाथों में लकड़ी के कोंडल के लॉक कर दिया, फिर भी वहां पर उन्होंने क्या किया मालूम है, उस 25 वचन में देखेंगे तो करके आधी रात के समय उन्होंने परमेश्वर की आराधना की बुरे समय में। देखो हम लोग क्या करते हैं, अच्छे समय में मानते हैं, और परमेश्वर का जो काम है ना वो बुरे समय में काम करता है। मैं पास में किसे कभी भी बात करता हूं ना, तो एक चीज में बात करता हूं कि अकाल में परमेश्वर देता है, अच्छे में नहीं देता, अकाल में, दुष्काल में, है ना, दुष्काल में। विधवा स्त्री को जो है ना, वो विधवा स्त्री बोली अभी मैं मेरा बच्चा खाकर क्या करेंगे, इतना ही मेरे पास आटा है, इतना ही उस पर मेरे पास तेल है, उतना खा के मर जाएंगे, अकाल का समय था। और भविष्यवक्ता पापर एलिया वहां को उसको भेज दिया गया, बोला जाओ उनके पास और उनके लिए तुम आशीष का कारण बन जाओ, हो गया। हालेलुया। परमेश्वर देखता है अकाल में, देखता है अच्छे में नहीं देखता है, अकाल में। परमेश्वर के दास लोग, परमेश्वर सेवक लोग, आपको एक चीज में बताता है, आपको अप्लाई करना है कि आपके पास बहुत कुछ है, आपके लिए दिया गया है, आपके लिए रखा गया है, आपको एक्सेप्ट करके चलना है। अगर मेरे पास टैलेंट दिया गया, मैं उसको देख रहा है कि मैं उसको देख रहे है ना, हम लोग क्या, हम लोग का बहुत एक गंदा आदत होता है, हम लोग क्या करते हैं, लोगों को देखते, वो क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, अरे तुम्हारे पास क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके पास क्या है। आप भी एक नॉर्मल आदमी हो क्या, नॉर्मल इंसान हो क्या, आप भी एक नॉर्मल इंसान हो क्या, परमेश्वर ने उसको दिया, अरे उसका सेवका है अलग है, उसका सेवा अलग है, उसको दिया गया, आपको भी दिया है, देने वाला है ना परमेश्वर, आपका भी सेवक अलग है, क्यों नहीं। आप क्या करते हैं, आप कॉपी करने की कोशिश करते, कॉपी मास्टर बहुत है हम लोग कभी देखो ना, उसने किया उसके जैसा हम लोग करेंगे, क्यों करेंगे हम लोग उसके जैसा, हम अलग है, हमको अलग सा सेवा दिया गया, अलग सी आशीषित हमको आने वाली, एक अलग सी बरकत हमारे जिंदगी में, एक अलग सा परमेश्वर ने हमको चुना है, इसका मतलब है हमको अंगीकार करके अप्लाई करना है। जब हम अप्लाई करेंगे, हम उसके नाम को कमांड करेंगे और बोलेंगे, तब परमेश्वर के आशीष हमारे जबान में से निकल के काम करना शुरू कर देंगे। मैं बहुत नया था सेवकों में, जब 2000 की बात कर रहा, मैं 2000 की बहुत बात करता, मैं मेरे मम्मी डैडी लोग पास्टर थे, मैं बहुत नया था। और उसके बाद में एक लेडीज आई, उसको अशुद्ध आत्मा लगा था और मैं वो प्रार्थना कर रहा था, उतने में एक दूसरी लेडीज आई और कही कि मेरे भाई को हार्ट अटैक हो चुका है, अभी वो उसको एडमिट किया गया, तो आप क्या करो पास्टर, जल्दी प्रार्थना करो कि वो ये करेंगे। मैं नया था बाइबल कॉलेज से, मेरे को इतना अनुभव नहीं था, क्योंकि ये नहीं था, मैं पास्टर भी नहीं था तभी। तो उन्होंने आए और मैं प्रार्थना किया, उत्ते में जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था वो लीड जुड़ गए और खड़ा हो गए और उसको हाथ रख के और कही, ए देख तेरा भाई जिलाया जाएगा, टेंशन मत ले, तेरा भाई वहां पर क्या गया, उसको चंगा हो चुका है, वो बीमार से निकल जाएगा। और आधे घंटे में ऐसा रिपोर्ट आया कि वो भाई मर गया। मैं ऐसे ही हो गया कि ये क्या हो गया, मुझे पता नहीं था। जब ये मैं पढ़ने के बाद में, तब मेरी मम्मी मेरे को बताए कि देख ये भाभी की आत्मा जो है ना यहाँ पर लिखा गया है, दुष्ट आत्मा भी क्या करता है, हम लोग को फंसाने का कोशिश करता है, हम लोग को ये करना की कोशिश करता है। और तब से मुझे पता चला कि मैं मेरे जिंदगी में रियलाइज सच्ची में कि क्या चला वो देखा मैं, और प्रैक्टिकली मैं जब देखा तब मैं बोला कि नहीं, शैतान भी हमको फंसाने की कोशिश करता है, कि हम लोग नए थे, हमको कुछ मालूम नहीं था, है ना। और प्रैक्टिकली होना बहुत जरूरी है। जब हम खुद अप्लाई किए ना, तब हम लोग को बोलेगा प्रभु हमको आशीष दे, और उसी समय आधे घंटे के बाद में वही दुष्ट आत्मा लगे और स्त्री आए, मैं उसको बोला देख तू बोला ये खत्म हो गया, हो तो हंसने के लिए हाँ हाँ भाई तुमको कैसा फंसाया। और जब भी मैं प्रार्थना किया तब परमेश्वर की आशीष उसको निकाल दिया और वो चंगा होकर चली गई।
देखो परमेश्वर के परमेश्वर अपने दासों को कभी लज्जित और पजित नहीं करता है, कभी वो ये नहीं करता है और आशीष देना चाहता है, पर उसमें से हम लोग सीखना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सीखना चाहिए हम लोग, हम सीखे तो हमको दे तेरा अभिषेक, तो हमको दे और तेरा अभिषेक से बल। आज ऐसा है, आज कंडीशन है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के चर्च में हम लोग सैतानी शक्ति को निकालते हैं। अभी कल ही मैं परसों बारामती गया था, बारामती जाने के बाद में जिस लेडीज के सिस्टर के घर में मैं गया, उसको प्रार्थना किया, जब उसको मैं ऐसा प्रार्थना किया ना तो वो सैतान शक्ति बाहर है और इतनी बाहर है कि उसके सारे घर वाले देखने लगे ये क्या चल रहा है बोले, और परमेश्वर का आत्मा ऐसा है कि बोले तेरे तेरे परमेश्वर के ऐसे जाने के लिए बोल, क्योंकि वो इतना तेज में कि मेरे आंखें वहां पर खुल रहे नहीं और मेरे को इतना तकलीफ हो रहा है। वो शैतान चिल्लाने लगा, उसको निकाल क्योंकि वो परमेश्वर का दूत वहां पर रुका है और वो मुझे मारने के लिए तैयार है। तो मैं बोला प्रभु धन्यवाद है, तो हमारी प्रार्थना को सुन रहा है और जब हम प्रार्थना सुन कर रहे तो आशीष कर रहा है। और उसी समय एक 5 मिनट के बाद में उस लेडीज को हम लोग ईश्वर के नाम से निकाल, दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, फ्री हो गए। आज वो फैमिली आशीषित है, क्यों पता रहा है कि आपको दिया गया है। और ने क्या किया, अप्लाई किया, उसने ऐसा बोला नहीं अरे वाह कितना मेरे बारे में अच्छा बात करी, वो नहीं बोला उसने, उसने बोला चल दुख लगा उसको, वहां पर लिखा गया उससे दुख हुआ दिल से कि एक जो दुष्ट आत्मा उसने हमारे लिए बात करी, उसने कहा चल ईश्वर के नाम से निकल जा और निकल गए। उसके बाद में वो फ्री हो गई और उनको जब फ्री हो गए तो उनकी मुसीबत आई, क्या उनको मारा गया, उनको जेल में डाला गया। डालने के बाद में उन लोग क्या बहुत मारा उनको, ऐसा लगा लिखा है आप पर कि उनको उस लकड़ी से बहुत अच्छा बेंच के लकड़ी से मारा गया, बहुत बहुत उससे बहुत दर्द होता है, वो लकड़ी से मारने के बाद में गिल्ला होता है, बहुत दर्द होता है उससे, फिर भी वो उसे सोचने की दर्द है। तो मध्य रात्रि के क्या क्या परमेश्वर की आराधना भक्ति के जेल के सारे कैदी सुन रहे थे, और सुनने के बाद में उस आराधना के द्वारा ऐसा हुआ, बहुत अच्छा वर्ड्स लिखा गया वहां पर कि जब वो आराधना कर रहे थे ना तो ऐसा कि उस बंदी गृह की नींव हिल गई, उसकी नींव हिल गई और जो ताले है जो है और जो बंद बेड़े हुए वो टूट गए, बाकी कुछ नहीं टूटा। देखो आराधना ने ताकत दे कि उसकी नींव हिल गई, उसका उसका जो पाया था तो वो हिल गया, और जिसके हाथ में उन लोग ने बांधा था जो बेड़े हाथ कड़ी बोलो जो भी है वो टूट गए, दरवाजे को जो ताला लगा था वो खुल गए, उतना ही खुला बाकी कुछ नहीं हुआ। हाँ तो अर्थक्वेक हुआ उसे उधर ही हो गया ना, क्यों होगा मालूम है कि परमेश्वर आपके लिए ईर्ष्या करता है, परमेश्वर अपने बच्चे लोग को देखता है, परमेश्वर अपने लोगों को देखता है, हर एक तकलीफ को देखता है। क्या हुआ मालूम है, नेगेटिव बात को पॉजिटिव हुआ मालूम है। और जब देखने के बाद में जो नायक था उसने बोला अरे सब कैदी भाग चुके, उसने अपना तलवार निकल के अपने गले पे लगाया और अपने को खुद को घात करने की कोशिश कर रहा था, तो पॉल ने कहा मत हम लोग सब इधर ही है। तब वो आके कह रहा है कि मेरा परिवर्तन मेरे को सल्वेशन मिलने के लिए मैं क्या करूं। देखो वहां पर भी उन्होंने सुवार्ता बताया, फिर अप्लाई किया परमेश्वर के दास से पॉल ने क्या किया, उसी को संदेश दिया और उसने क्या उसके और उसके घराने को बोला, क्या बोला और तू और तेरे घराने का परिवर्तन हो जाएगा, और उसी समय उसके परिवार का उद्धार हो गया और उद्धार होने के बाद में उनको आशीष मिला। अच्छे समय कोइंसिडेंस नहीं, एक अच्छा समय जो भी परमेश्वर आपके जिंदगी में करता है वो अच्छे के लिए करता है, और उसको अच्छा समझ के आगे चलिए, परमेश्वर आपका कभी नुकसान नहीं करेगा। शायद आपके दर्द में भी परमेश्वर का काम हो सकता है, या शायद आपकी खुशी में भी परमेश्वर का काम हो सकता है, जब भी आप खड़े रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने जिंदगी में परमेश्वर से वो चीज मांगी, परमेश्वर मुझ में क्या है और तू मुझे क्या देना चाहते, लोगों के पास मत देखिए, लोगों के पास मत, लोगों ने आपकी तारीफ करेंगे उसके पास मत देखिए, लोगों को बोलेंगे कि तू कैसा है बहुत अच्छा है, छोड़ो नकली बात कर रहे, असली क्या है, असली हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमको असली बताना चाहते। आपके पास आप ऑलरेडी ब्लेस्ड है, ऑलरेडी आप ब्लेस्ड है, और जब आप ऑलरेडी ब्लेस्ड है तो आपको परमेश्वर को एक ही बोला कि प्रभु मेरे क्या सेवकाई है और मुझे क्या है। आज आप लोग सब लोग परमेश्वर विश्वास करने वाले लोग हैं, कोई विधर्मी नहीं इसमें, सब विश्वास करने वाले लोग हैं, पर हमें हमारे पास क्या है पता नहीं है, हमारी सेवा कौन सी है हमें पता नहीं, हमको क्या मिलना चाहिए हमको पता नहीं, हम लोगों को देखना नहीं चाहिए, हमको वो देखना चाहिए कि परमेश्वर तू मुझे क्या दे रहा है और मैं कितना जल्दी उसको एक्सेप्ट करूं। उस जिस समय पॉल ने क्या किया, बोला चल निकल, रुकने का नहीं, टाइम वेस्ट मत कर, निकल। उसी समय उस दुष्ट आत्मा ने उसके आज्ञा को माना और निकल गया। तो ताकत परमेश्वर आपको देना चाहता है।
परमेश्वर आशीषित करना चाहता है। ये परमेश्वर की सेवकाई है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। शैतान आपके पीछे अरे गेरे में आजू बाजू में सब कुछ आपको गिराने की कोशिश करेगा, आपके समस्या आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, बीमार आएंगे, डर आएंगे, पर फिर भी उसमें से आपको आशीषित करके खड़ा करेगा। वह बोलेगा मृत्यु के दरवाजे में आप खड़े रहेंगे, फिर भी वहां से निकालेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है परमेश्वर के काम के लिए। इसको अप्लाई करो कि परमेश्वर ऐसी मत दे ताकि हम तेरी सेवकाई करते करते जाए। देखो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। ये परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी के पीछे मत दौड़िए, मुझसे मुझे ये संदेश ने ऐसा मेरे लिए कहा, वो संदेश ने मुझे ऐसे कहा। उसके लिए हमको खुद को तैयारी करना पड़ता है, हमको खुद को उसके सामने लाना पड़ता है। जब हम परमेश्वर के सामने आएंगे तो परमेश्वर उन बातों को पूरा करने वाला है, और वो ताकत हमको देगा कि हम यीशु के नाम से सब कुछ भगा सकते हैं और हमको आशीषित करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, आमीन। थैंक यू पास्टर विनोद। नो डाउट when we apply then God will supply. Amen. Thank you. Amen. Pastor Vinod, when we apply then God will supply. Hallelujah. Acha abhi hum log ne announcement kiya tha last minute, agar kisi ko immediately jo hum log ke beech mein hain